हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक अपडेट आपको देने वाले हैं। जिन स्टूडेंट का अभी भी वेरीफाई नहीं हुआ है, उनका वेरीफाई आज हो जाएगा। अगर आज वेरीफाई नहीं होता है तो हम कल समाज कल्याण विभाग जाके आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट देंगे, क्यों वेरीफाई नहीं हुआ और डाटा क्यों। हो सकता है आज ही जाएँ, लेकिन आज जाने की उम्मीद थोड़ा सा कम है। अगर आज नहीं जाते हैं तो कल कन्फर्म समाज कल्याण विभाग जाके आपको अपडेट देंगे। तो स्कॉलरशिप जिन स्टूडेंट का लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन प्रॉब्लम बता रहा, एक बार थोड़ा सा यहाँ से लॉगिन करके देख लीजिए। जो हमने कल वीडियो अपलोड किया हुआ तो वहाँ पे प्री मैट्रिक का भी आप जो है देख सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक का भी देख सकते हैं। क्योंकि हमने कल आपको जो स्टेटस दिखाया हुआ था वो SC कैटेगरी का था और पोस्ट मैट्रिक का रिन्यूअल डाटा था, पोस्ट मैट्रिक का ही था और कैटेगरी SC थी। हमने कल आपको दिखाया हुआ था, उसमें प्रॉपर लिखा भी था रिन्यूअल वगैरह। यहाँ से लॉगिन नहीं हो रहा, यहाँ से लॉगिन होने में जो है ये प्रॉब्लम फेस आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लॉगिन ना करिए, पीछे से ही लॉगिन कर लीजिए। यहाँ से, यहाँ पे आप जब UP स्कॉलरशिप लिखेंगे, यहाँ पर फ्रेश भी कर सकते हैं, रिन्यूअल कर सकते हैं, नवीनीकरण भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ पोस्ट मैट्रिक, तो यहाँ पर आप जो है कर सकते हैं लॉगिन। और प्री मैट्रिक वाले भी कर सकते हैं, रिन्यूअल पे करके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके प्री मैट्रिक वाले भी कर सकते हैं। यहाँ से जो है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाले भी कर सकते हैं, प्री मैट्रिक वाले भी यहाँ से कर सकते हैं लॉगिन रिन्यूअल करके। तो ये प्री मैट्रिक देखिए यहाँ पे, ये तो सभी स्टूडेंट के लिए कर सकते हैं। एक अपडेट हम ये देखने वाले हैं, जो पिछली साल आप देख सकते हैं आपकी स्कॉलरशिप कितनी आई हुई थी और कब स्टेटस वेरीफाई हुआ था, तो लगभग वही समय चल रहा है इस टाइम भी स्कॉलरशिप का जो है। यहाँ पे आप अगर देखना चाहते हैं हमारी कितनी पिछली साल स्कॉलरशिप आई हुई थी तो कब वेरीफाई हुआ था, तो उसी के आसपास जो है वेरीफाई साल भी होगा। अप्लीकेशन स्टेटस 2022-2023 पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये यह डाटा आ जाएगा, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2022-2023 प्रवेश में प्रदेश से बाहर अध्ययनरत छात्र छात्राएं के ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्थिति। यहाँ से भी आप स्थिति देख सकते हैं, लेकिन अभी ये अपडेट नहीं हुआ। अगर ये अपडेट हो जाएगा तो इस साल का दिखाने लगेगा, अभी इस पर पिछली साल का ही दिखा रहा है। इस साल का भी दिखाना चाहिए, लेकिन अभी जो डाटा है वो पिछली साल का ही ले रहा है, इसलिए अभी स्कॉलरशिप जो ऐसे ही ये 12 तारीख हो जाएगा तो यहाँ पे इस साल का डाटा शो करने लगेगा। कल के बाद जो है यहाँ पे इस साल का डाटा शो करने लगेगा, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप भरेंगे और डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, दोनों फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन संख्या और डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे, तो इसको फिल करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे तो कुछ इंटरफेस जो ओपन होके आएगा वो आपके सामने हम डिस्प्ले करते हैं। ये फिल करने के बाद आप सर्च कर देंगे, जो इंटरफेस सामने आपके आ रहा उसको आइए हम आपके सामने डिस्प्ले करते हैं। तो ये इंटरफेस आपके सामने डिस्प्ले होके आएगा, जो है छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली, यहाँ पे देखेंगे 11/3/2023, यानी कि आज का ये स्टेटस है और ये स्टेटस 2022-2023 का है। आज का स्टेटस है, आज ही देखिए डाउनलोड हुआ है, पहले का नहीं है। छाप तारीख आप देख सकते हैं 11/3/2024 प्रॉपर इस पर लिखा हुआ है। तो पिछली साल देखिए कब वेरीफाई हुआ था, कब क्या हुआ था, बस वही हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखें क्या लिखा है, वेरीफाइड बाय बैंक, तो ये पिछली साल इशू आ रहा था, ये पिछली साल जो इशू आ रहा था तो हमने सॉल्व कर लिया था। ये इशू UID नेबर डिसेबल फॉर DBT, ये सॉल्व होने के बाद भी ये इशू इसमें था, मतलब जैसे हमने बैंक द्वारा इसको सॉल्व करवा लिया था फिर भी ये इशू यहाँ पर था, तो ये चीज़ ठीक हो गई थी, इससे कोई दिक्कत नहीं है जो है। और फिर भी यहाँ पे था, उससे कोई मतलब नहीं है, बैंक द्वारा वेरीफाई हो गया था, फिर थंब लगाने पे पैसा निकल रहा था, एकदम ओके मामला था। वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, ये देखिए 5/3/2023, पिछली साल कब वेरीफाई हुआ था, 5/3/2023 को, मतलब 5 मार्च को वेरीफाई हुआ था। इस बार क्या हो गया है, इस बार हो गया है, आज हो गया 11 मार्च, अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ, तो कल तक हम लोग इंतज़ार करते हैं, नहीं तो आज शाम तक वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो ये वेरीफाई हो गया था। स्कॉलरशिप तो आई थी वही मार्च के लास्ट में स्कॉलरशिप आती है, क्योंकि सेशन जो है वो नया सेशन अप्रैल से लगता है, नया सत्र जो है जो बजट का लगता है वो अप्रैल से ही लगता है,
तो करंट स्टेटस देखेंगे यहाँ पे, क्या जब अकाउंट में पैसे आए थे, कितना आए थे। स्कॉलरशिप ऑफ रुपीज़ 6,560 एंड फीस डिसबर्समेंट जो है, यहाँ पे जो फीस वापस हुई थी वो 30,000 रुपये। डिस्टर्ब इन योर, मतलब ये आपके आधार कार्ड से पैसा ट्रांजेक्शन हुआ है, बेस्ड बैंक अकाउंट ऑन योर बैंक अकाउंट, तो ये ट्रांजेक्शन है। तो वेरीफाई हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, जिन स्टूडेंट में वेरीफाई बैंक लिखने के बाद ये चीज़ें आ रही हैं उसको सही करवा लीजिए, इसके बाद भी ये चीज़ें सही नहीं होती हैं, अपडेट नहीं होता तो कोई बात नहीं है, ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। बस DBT और UID का सत्यापन, ये चीज़ जो लिखी हुई है ये चीज़ का आपका सत्यापन होना चाहिए। इसके बाद फिर वेरीफाई रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये चीज़ लिख कर आनी चाहिए और ये डेट लिख कर आनी चाहिए। और ये अगर दोनों चीज़ें हो गई हैं, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाई हो गई है, देखिए पिछले साल वेरीफाई हुआ था तो स्कॉलरशिप यहाँ पे आ गई थी, जो स्कॉलरशिप का अकाउंट था अमाउंट था वो है 36,560 रुपये, तो ये आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, जितना आपकी फ़ीस लगेगी और कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी आता है तो ये प्रॉपर आपके अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन उसके पहले आपका वेरीफाई होना चाहिए, जिसकी डेट है वो कल है लास्ट डेट वेरीफाई होने की, क्योंकि 22 तारीख से स्कॉलरशिप आएगी और आशा यही है कि जो होली है और जो 22 तारीख है उसके बीच में सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी, क्योंकि फिर उधर होली की छुट्टी होगी, उधर फिर कुछ काम होगा नहीं, इसलिए होली तक, 22 तारीख से आना स्टार्ट होगी, होली तक सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो 10 दिन में जिसका UID वगैरह वाला काम है, DBT वाला, वो काम स्टूडेंट अपना करवा सकता है, और कल ही लास्ट डेट है वेरीफिकेशन का, सबका लगभग कल ही हो जाएगा, जिन स्टूडेंट का पेंडिंग वगैरह डाटा है। इनरोलमेंट नंबर वाली समस्या सबकी सॉल्व हो गई है, क्योंकि अगर SC कैंडिडेट का सॉल्व हो गया है और कैंडिडेट का सॉल्व हो गया, सबकी समस्या, इनरोलमेंट नंबर वाली सबकी समस्या सॉल्व हो गई, इनरोलमेंट नंबर और हाई स्कूल इंटर ये समस्या सबकी सॉल्व हो गई, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। और पेंडिंग में सभी का डाटा है तो पेंडिंग वाला डाटा वो वेरीफाई हो जाएगा, आज शाम तक आप देख सकते हैं, नहीं तो आप कल देखेंगे तो वेरीफाई आपका डाटा मिलेगा। तो इन्फॉर्मेशन थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें, पिछले साल का क्या स्टेटस था और कब कैसे क्या हुआ था, वेरीफाई हुआ था, तो अपडेट हम सोचे आपको दे दें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।